फर्स्ट डे कोचिंग क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और कैसे हो आप लोग? सब ठीक? पढ़ाई चल रही है? नाइन्थ क्लास बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रही है और टेंथ क्लास वाले बच्चे लगे हुए हैं पढ़ने में। नाइन्थ क्लास ध्यान दो पढ़ाई पे, वरना आपका याद रखो फिर नाइन्थ क्लास में रह जाओगे आप अगर मेहनत नहीं किया, पढ़े नहीं। तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एट्थ क्लास से बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल अलग है नाइन्थ क्लास से, ध्यान देना आपको, ठीक है ना। तो ये सेकंड चैप्टर में हमारा चल रहा था, सेकंड चैप्टर साइंस का। सेकंड चैप्टर साइंस में आप अभ्यास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, जिनमें से पांच क्वेश्चन आपके हो चुके थे। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। आपको देखो एक बताना है कि किस तरह से आप ये बता पाओगे कि शुद्ध पानी है क्या एक कलरलेस लिक्विड, जिन रंगहीन एक द्रव है, रंगहीन द्रव जो है वह आप ऐसे कैसे बताओगे कि वह शुद्ध जल है या शुद्ध पानी है। पहले देखिए शुद्ध पानी की क्या जो है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। शुद्ध पानी क्या होता है? कलरलेस होता है ना, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, है ना। रंगहीन भी मतलब कोई कलर नहीं होता है, स्वादहीन उसका कोई स्वाद नहीं होता है ना। उसके बाद क्या है, गंधहीन, गंध भी नहीं आती है। ये शुद्ध पानी की करेक्टरिस्टिक्स है। देखिए और हाउ वुड यू कन्फर्म, आप कन्फर्म करना है तो हम कैसे कन्फर्म करेंगे। कोई भी लिक्विड हो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब वन एटीएम पे, वन एटीएम एक वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर वन एटीएम पे एक वायुमंडलीय दाब पर अगर कोई द्रव्य, देखो आपको पानी उबालने के लिए क्या बताया जाता है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है। लेकिन शुद्ध जल अगर शुद्ध हो तो, लेकिन मैक्सिमम पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, अगर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, उसके बाद अब देखिए डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में करें तो 373 केल्विन पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर कोई जल, कोई भी लिक्विड क्या हो वो बॉयल करना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, तो वही क्या होता है, शुद्ध जल होगा। मतलब वो कलरलेस लिक्विड जो आपने लिया था वो क्या है, प्योर वाटर है। आपने जो कलरलेस लिक्विड लिया है अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 373 केल्विन टेम्परेचर उसको दे दो, अगर 373 केल्विन टेम्परेचर पे वो क्या करे, बॉयल करना, उबलना शुरू कर दे, वोपरेट करना, वाष्पीकृत करना शुरू कर दे, मतलब क्या है, बॉयल करना शुरू करता है कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो केल्विन कितना हो गया, 373 केल्विन। अगर इस पे वन एटमोस्फेरिक प्रेशर 373 केल्विन टेम्परेचर इस पे बॉयल करना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिए वो क्या है, प्योर वाटर। आपको बताना था हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर, तो बता देना है एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एग्जैक्टली 373 केल्विन टेम्परेचर पे व्हेन एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज नोन एज द प्योर वाटर, इन द फॉर्म ऑफ प्योर वाटर, और वो कलरलेस हो गए। प्योर वाटर क्या होता है, कलरलेस होता ही, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। तो देखिए शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ की अभी डेफिनेशन आपको पिछली क्लास में भी बताया गया, तो पिछली क्लास जो बताई गई उसमें भी आपको डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस का होता है, क्या होता है बताया गया। अब देखिए इनमें से आपको बताना है प्योर सब्सटेंस होता क्या है। जब आपको पढ़ाया गया था कॉन्सेप्ट, जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था आपको, तो वहाँ पे बताया गया था शुद्ध पदार्थ वह होता है जैसे तत्व और यौगिक, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है बताया गया था, जो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट और यौगिक जितने हैं वो क्या है तुम्हारे, शुद्ध पदार्थ। ये आइस जो है वाटर के फॉर्म में होता है, तो ये भी क्या हो गया, ये तुम्हारा एलिमेंट और कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आएंगे, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, तो आपका आइस, उसका मिल्क नहीं होता है, मिल्क शुद्ध पदार्थ नहीं है। आयरन देखिए, ये अफी आयरन भी, ये क्या है, एलिमेंट है, तत्व है, एलिमेंट है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये भी क्या, कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड और ये भी क्या है, तुम्हारा कंपाउंड है।
कंपाउंड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मरकरी। मरकरी क्या है? Fe तो Hg। ये मरकरी भी क्या तुम्हारा? मरकरी भी ये क्या तुम्हारा है? ये एलिमेंट है। उसका ब्रिक तो नहीं है आपका, वुड भी नहीं, और एयर क्या है? मिक्सर है, ठीक है ना। ये शुद्ध पदार्थ क्या है? आइस, आयरन और HCl, CO, उसका मरकरी। ये आपके क्या है? शुद्ध पदार्थ है जो एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में, जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड है क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है। अब आते हैं आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अब आपको बताना है इसमें विलयन कौन कौन से हैं। विलयन क्या क्या है? विलयन में पता है आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ठीक। अब देखिए सॉइल मिट्टी जो है ये नहीं है सॉल्यूशन, सी वाटर है। इसमें क्या है? सॉल्ट, नमक होता है, पानी। अब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सोडा वाटर हो गया और एयर हो गया। ये सब क्या है तुम्हारे? सॉल्यूशन है। और उसके बाद कोल जो है ये नहीं, सॉइल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। अब आगे देखते हैं टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाता है। सबसे पहले देखो टिंडल इफेक्ट बताया गया था। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जब लाइट को क्या करता है? स्कैटर कराता है। जो इसमें सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? हेटरोजीनियस होते हैं, लगते होमोजीनियस जैसे हैं। ये इतने घुले होते हैं, घुलने के बाद भी क्या होता है? ये बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? स्कैटर कराते हैं, फैलाते हैं, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में आपको बताना है तीन चीज दी है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा है मिल्क, तीसरा है कॉपर सल्फेट। चौथा है स्टार सॉल्यूशन। अब आपको बताना है इसमें टिंडल इफेक्ट, सॉल्ट सॉल्यूशन तो नहीं होगा। क्यों? ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्ट का, जो है कि लिक्विड में जब डिजोल्व करते थे घुल जाता है। ये होमोजेनस होता है, इसके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं। ये तो हो गया होमोजेनस। मिल्क जो है, मिल्क है ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क जो होता है वो क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो मिल्क हो गया। कॉपर सल्फेट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट भी होमोजेनस होता है। स्टार सॉल्यूशन जो होता है ये होगा। स्टार सॉल्यूशन भी कभी कभी प्रॉपर्टीज लिक्विड के साथ होमोजेनस के दिखाते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं फर होते हैं जो लिक्विड पानी के साथ जो होते हैं पूरी तरह से घुलते नहीं, फैल जाते हैं, और ये लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर कराते हैं। तो ये क्या है? क्या तुम्हारा मिल्क और स्टार सॉल्यूशन जो है ये तुम्हारे क्या है? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बस ये 9th क्वेश्चन हो गए आपके, और 10th और 11th क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। इसके बाद ये नोट करना आप लोग, ये पढ़ते रहो, फिर इसके बाद 10th और 11th। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर। अब देखिए आपको बताया गया था एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सर क्या है, तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में आपको बताया गया था। तत्व यौगिक मिश्रण में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिख दीजिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर। तत्व यौगिक और मिश्रण क्या है? तत्व बताया गया था आपके वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, अकेला हो है ना एलिमेंट रियली रैम। और यौगिक क्या है? जब दो एलिमेंट आपस में डिफरेंट डिफरेंट मिल जाए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिले तो कंपाउंड हो गया। मिक्सर क्या है बताया गया था आपको, मिश्रण के बारे में पूरा क्लास ही चली है। आओ देखते हैं, अब इनमें आपको बताना है क्या एलिमेंट क्या है ना। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट में देखो क्या क्या आता है। पहले जो अकेला सोडियम है ने, तो ये क्या है तुम्हारा? एलिमेंट है, सॉइल नहीं है। पहले एलिमेंट में देखता हूँ, सिल्वर है जी, हाँ सिल्वर है जी, ये क्या है? एलिमेंट है, ठीक। अब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, टिन, हाँ टिन एसन, ये भी क्या तुम्हारा एलिमेंट है। सिलिकॉन, सिलिकॉन है। उसके बाद पोल, एयर, सॉप, मेथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ब्लड नहीं है। बस ये आपके क्या है? एलिमेंट तत्व है, सोडियम, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद तुम्हारा टिन, सिलिकॉन, ये सब क्या तुम्हारे एलिमेंट है। अब देखते हैं कंपाउंड। एलिमेंट में सोता तत्व, ये सिर्फ अकेले रहते हैं। देखो ए जी, एस एन, एन ए, ये सब क्या अकेले। कंपाउंड क्या है? जब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में मिलते हैं। देखो सोडियम नहीं, सॉइल नहीं, सॉइल क्या मिक्सचर है?
कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद देखिए ये एलिमेंट हो गए, ये आपके कंपाउंड बचे क्या आपका मिक्सर। मिक्सर में देखिए क्या एयर, मैं यहां लिखता हूं मिक्सर, मिक्सर में आपका पहले सॉइल मिट्टी, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए कोल कोयला, उसके बाद आगे देखिए एयर, उसके बाद सोप, उसके बाद ब्लड। ये आपके क्या हो गए मिक्सर हो गए, मिश्रण हो गए। तो ये थे आपके ये तत्व है, इनमें ये यौगिक है और ये मिश्रण। बस इनमें आपको क्लासिफाई करना था तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। एक नंबर के क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है, नोट कर लो उसे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। आपको बताया गया था भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। आपको बताया गया था रिवर्सिबल होता है, कोई इरिवर्सिबल होता है ना, अब कोई वापस आता है कोई वापस नहीं आता। अब इसमें सिर्फ आपको केमिकल चेंज बताना है, ठीक है ना। आपने ध्यान, ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या ये वापस आ सकता है, नहीं, तो ये क्या है केमिकल चेंज सबसे पहला, ठीक, केमिकल चेंज। अब उसके बाद बी रेस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है केमिकल चेंज, ये वापस नहीं लाया जा सकता। अब इसमें धीरे धीरे होता है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। देखो क्या है आयरन के जो आयरन है, आयरन को सैंड के साथ मिक्स कर देंगे, है ना। अब ये छोटे छोटे आयरन के टुकड़े को अगर मिक्स कर देंगे तो क्या ये वापस आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो ये क्या है फिजिकल, ये हो गया केमिकल नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, हाँ कुकिंग ऑफ फूड भोजन का बनाना क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पाचन करना, ये क्या है केमिकल चेंजिंग है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर पानी को क्या करना है, फ्रीज करना, मतलब पानी को आप फ्रीज करोगे बर्फ बनेगा, बर्फ से क्या होगा हीट करोगे फिर से वापस आ जाएगा, तो ये क्या है फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल ये क्या है केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट रेस्टिंग ऑफ आयरन, उसके बाद क्या डाइजेशन ऑफ फूड कुकिंग ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब क्या है तुम्हारे केमिकल चेंज है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोग सेकंड चैप्टर तक आप लोग पूरा पढ़ दें, नेक्स्ट डे मतलब परसों, आपको परसों आपका क्या होगा टेस्ट होगा सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पूरे 5 क्वेश्चन करने होंगे, मिला के आपको 3 क्वेश्चन ऑप्शन लो, 3 क्वेश्चन और दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा 8 क्वेश्चन होंगे। तो टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहना, सभी बच्चों को टेस्ट करना है, ठीक है ना। और तब तक पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।